ये कविता अभी शुरू नहीं हुई है। पहले मैं इसे पॉलिटिकल करेक्टनेस का कवच, पॉलिटिकल करेक्टनेस का कवच, जी हुजूरी का जामा, ढकोसले की ढाल पहना दूं, फिर इसे लिखूं। आईसी शपथ लेऊं, साहिब सा आशीर्वाद घेऊं, राष्ट्रवाद का तिलक लगा लूं, फिर इसे रचूंगी। वजन घटा लूं, आईब्राउ चढ़ा लूं, हिप हॉप टिप टॉप शिप शेप हो जाऊं, फिर इसे सजाऊंगी। वुजू कर लूं, शरिया ओढ़ लूं, सर समेत सोच सुलूक हक हुकूक सब ढक लूं, फिर इसे पढ़ूंगी। हैं, क्या कहा आपने? आप यहाँ अपना टाइम वेस्ट करने नहीं आए हैं? मेरा लेक्चर नहीं, कोई हल्की फुल्की पोएम बचाने आए हैं। जी जी, कोई SMS वाली शायरी सुना दूं? इरशाद इरशाद? नहीं नहीं, वो नहीं आए हैं। मैं कौसर हूँ। जी हाँ, ताज्जुब की बात है, शायरी का शौक रखती हूँ और औरत हूँ। शुरू हो जाना है कविता। क्यों मेरी इज्जत खराब कर रही है? क्यों मेरा मुंह काला करवा रही है? क्यों मुझ पे वुमन राइटर होने का लेबल लगा रही है? देख, शुरू हो जा, वरना मेरा सूडो इंटेलेक्चुअलिज्म जाग जाएगा, अर्बन नक्सलवाद का नाग उठ जाएगा, सिलेक्टिव आउटरीच का गब्बर आ जाएगा। शायद ये कविता मुझसे डरती है, या आई थिंक इट्स स्केयर ऑफ मी। कहीं मैं टैटू ना दिखा दूं, कहीं मैं अवार्ड ना लौटा दूं, कहीं मैं ड्रिंक्स ना मांग लूं, कहीं मैं स्टेक ना मंगवा लूं, कहीं मैं इस सोसाइटी के सात्विक सेंटिमेंट्स को हर्ट ना कर दूं, कहीं मैं इस कम्युनिटी के कल्चर को प्रदूषित ना कर दूं। शिट, ये कविता मुझसे डरती है, मेरी ज़रूरत से ज़्यादा लचकीले फ्री वर्स से घबरती है। बेचारी मेरी डरी हुई कविता। शुरू हो भी तो कैसे? पहले तो डिस्क्लेमर का रायता समेटना है, खंडन की खिचड़ी चढ़ानी है, रिग्रेट की रोटियां सेकनी है, घड़ों पानी अपने ऊपर उढ़ेलना है, फिर शायद विचारों को कविता में रचने की मुझमें शुद्धि होगी, उसे पढ़ने की मुझमें पाकीजगी होगी, उसे मानने की मुझमें मर्यादा होगी। लेकिन लेकिन मुझसे ये नहीं होगा, क्योंकि अभी तक मैंने अपनी कलम का GST ही अदा नहीं किया, अपने ख्यालों का सेस जमा नहीं किया, अपनी इस कविता को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है। बेचारी मेरी सहमी हुई कविता के हाथों मैं मजबूर हूँ, इसलिए बेहतर है मैं चुप रहूँ। सुनने वालों, मुझे माफ करना, सूद समेत आपका मुंह लौटा दिया जाएगा। डेमोक्रेसी को जो असुविधा हुई उसके लिए मुझे खेद है। जाते जाते डांडिया के फ्री पासेस उठा ले जाइएगा। मैं शायर नहीं, कायर हूँ। इस बात से इस देश के अच्छे दिनों को कोई हानि नहीं होगी। ये कविता अभी शुरू नहीं हुई, ये कविता कभी शुरू नहीं होगी।